जय हिंद इनकलाब जिंदाबाद। आई एम GGKWH गौरव एंड वेलकम माई यूट्यूब चैनल। आप लोगों तो थंबनेल देख पता चल गया होगा कि आज हम आप लोग इस वीडियो में क्या दिखाने वाले हैं। तो चलिए अभी हम मेरे बाबा का बाइक लेते हैं और चलते हैं। अभी आ चुके हैं मेरे दोस्त का घर के पास, मतलब अपना ही घर हो गया है अभी। यहाँ पर गाड़ी चलाएगा, चला। चलिए अभी मेरे दोस्त काहे मार रहा है रे, क्या दुश्मनी हो गया क्या? चलिए भाभी जाइएगा, चलिए चाबी तो यहीं पर है, वो तो चाबी। तो चलिए आज मेरा बाबा गाड़ी अभी मेरे दोस्त चलाएगा और हाँ हाँ लाल लाल हो गया तो गाड़ी, यहाँ का लाल मिट्टी लग गया है, चिंता मत कीजिए। ये जो स्कॉर्पियो के सामने बिल्डिंग है, ये है हम लोग का उड़ीसा का 23 साल पुराना घर। एंड माय अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद द मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोग में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। और जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम ID भी है, जिसमें शॉर्ट डांस एंड कराटे का वीडियो है। अरे ये सब जगह पूरा खाली था, बाउंड्री कर दिया है। ये सब खाली जगह था, पूरा खेलते थे इधर, लेकिन अभी सब बाउंड्री कर दिया है। जाएगा अंदर? नहीं नहीं, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वो भी कॉलोनी में ही है। पूरा बाउंड्री कर दिया है, ये देखिए अंदर में पूरा खेलते थे, यहाँ पीछे भी खेलते थे। लग ही नहीं रहा कि कितना खुला वाला रहता था। हाँ पूरा सब भर गया है पूरा, ऐसे ऐसे। और इधर तो गेस्ट हाउस जाने का रास्ता था बाएं साइड में, कहाँ इधर कहाँ? अरे SSC का गेस्ट हाउस नहीं था, अंदर में नेपाली अंकल रहते थे। अच्छा हाँ उधर हाँ, वो सब तो खत्म हो गया। SSC खत्म मतलब कंपनी खत्म, ना आदमी भी खत्म, और ये नेपाली अंकल तो डेथ कर गए हैं ना। अभी मेरे बाबा का फ्रेंड के साथ मिलाते हैं जो ड्राइवरी में काम करते थे, मतलब SSC कंपनी में काम करते थे। ये अंकल जी काम करते थे, फिर साथ में ये अंकल जी, ये सभी पापा के मतलब फ्रेंड थे वहाँ पर, मतलब SSC कंपनी के। तो ही अभी जाते जाते परिचय हुआ, मैं दोस्त परिचय करवाया तो पता चला कि मेरे बाबा के साथ कंपनी में काम करते थे। तो बहुत अच्छा, खुश हुए हम बहुत ही कि मिलकर। नमस्ते, मैं दोस्त को अभी आते आते बोल रहे थे वहाँ पर एक जगह था जंगल जाने के लिए, ये जंगल है, जंगल के अंदर वही वाला रास्ता के लिए बात कर रहे थे अंकल अभी, कि अंदर में एक नेपाली अंकल थे, गार्ड देते थे वहाँ पर। वहाँ पर जितना कंपनी का बारूद उरूद था सब कुछ वहीं पर फाइल सब बना कर रखते थे ना अंकल जी, वहाँ पर रखते थे। और वहाँ भी हम लोग जाते थे, छोटे में हम जाते थे, बाबू जाता था, और अंकल लोग तो वहाँ मतलब ड्यूटी में ही थे, कोई यही नहीं था। उन लोग अपना कंपनी था, वहाँ तो जाना आना रहेगा ही। तो ये बहुत पुराना पुराना यादगार ताज़ा हो रहा है। अगर आप लोग में से कोई मेरा इंस्टाग्राम ID में मेरा डांस और कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर इंस्टाग्राम ID पर मेरा डांस और कराटे का वीडियो देख सकते हैं। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम ID भी है। और अब हम लोग पंचायत भवन घुस चुके हैं। हम कहाँ जा रहे हैं ये तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे ही। इन जाते जाते रास्ते में मिल गया जुरुडी पंचायत। यहाँ पर पहले हम लोग आते थे और अभी तो बहुत चेंज हो चुका है जुरुडी पंचायत। आप लोगों को दिखाते हैं, ये है मेन गेट और यहाँ देखिए टाटा टिस्को का बनाया हुआ है, टाटा टिस्को से बनाया है ये सब। और यहाँ यहाँ कौन बैठता है बोला? ऐ विनय, यहाँ कौन बैठता है बोला? ओ यहाँ सरपंच बैठते हैं, सरपंच का ऑफिस है ये वाला। और यहाँ पर कुछ वहाँ पर पानी का कुछ है, मतलब टैंक उंक, और ये कुछ इस तरह का है। और ये जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्री ऑफिस है जुरुडी का, कुछ इस तरह का है जुरुडी का पंचायत। तो चलिए आप लोग को हम जुरुडी का पंचायत भी दिखाएं, और अब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ हम आप लोग इस वीडियो में दिखाते रहेंगे। तो चलिए अभी मेरे बाबा का गाड़ी लेते हैं और चलते हैं। मेरे पीछे देखिए वो है जुरुडी रेलवे स्टेशन, वही वाला है ना रे, वो वाला रेलवे स्टेशन है जुरुडी। और ठहरो यहाँ पर थोड़ा सा यादगार बता देते हैं वीडियो के माध्यम से।
और ये सब देखिए एरिया जो अभी रेलवे पटरी है। हम दोनों दोस्त इधर दौड़ धूप करते रहते थे, याद आ रहा है विनय? मतलब तब रेल उतना क्रॉस, रेल क्रॉस किया मतलब उस टाइम पटरी बनना शुरू हुआ था, जिस समय आज से कुछ नहीं था, मतलब रेलवे पटरी बन रहा था, इसीलिए हम लोग दौड़ धूप करते थे, कोई टेंशन नहीं था। और अभी तो दौड़ धूप होगा नहीं क्योंकि ये सब पटरी में अभी ट्रेन चलना शुरू हो चुका है। तो यादगार बहुत ही ताज़ा हो रहा है जहाँ जहाँ जा रहे हैं। और इधर देख रहे हैं ना, चारों तरफ माइंस एरिया है। और चलिए अभी देखते रहिए कहाँ कहाँ क्या क्या दिखा रहे हैं आप लोग को इस वीडियो में। जब हम मेरे बाबा के साथ उड़ीसा भुवनेश्वर में रहते थे, तब हम आप लोग को एक वीडियो में बताए थे उड़ीसा में बरबिल जोड़ा जुरूडी में लाल मिट्टी देखने को मिलेगा। और जब हम उड़ीसा में बरबिल जोड़ा जुरूडी आए हैं तो यहाँ देखिए चारों तरफ लाल मिट्टी देखने को मिल रहा है। एंड माई अदर चैनल नेम इज़ नृत्य विद्या मार्शल आर्ट। अगर कोई आप लोग में से मेरा डांस कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर डांस कराटे का वीडियो देख सकते हैं। और अगर मेरा इंस्टाग्राम आईडी में मेरा डांस और कराटे का वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर इंस्टाग्राम आईडी में भी मेरा डांस और कराटे का वीडियो देख सकते हैं। जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 18 ईयर्स के पहले कोई भी लड़का लड़की माइंस में घुस नहीं सकता है। अभी हम आ चुके हैं जिस कंपनी में मेरे बाबा जॉब करते थे उसी कंपनी में, लेकिन कंपनी अभी चेंज हो चुका है। पहले ये कंपनी था SSC कंपनी, SSC प्राइवेट लिमिटेड। और अभी ये कौन सा कंपनी हो गया है रे? ये अभी त्रिवेणी लिया था, त्रिवेणी लेकर फिर वो बूढ़ा का लिया ना, और ले लिया, मैंने कंपनी चेंज हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग आते रहते थे, मेरे बाबा तो यहाँ पर ड्राइवर थे इस SSC कंपनी का, मतलब ऑलराउंडर ड्राइवर थे, कोई ऐसा गाड़ी नहीं था जो नहीं चलाते थे। डम्फर, पिलोडर, डोजर, फिर जीप तो चलाते थे, कार चलाते थे GM साहब का, फिर असिस्टेंट GM साहब का, कार जीप चलाते ही रहते थे, लेकिन ऑलराउंडर था। अगर मान लीजिए किसी डम्फर का, पिलोडर का, डोजर का, गाड़ी का ड्राइवर नहीं आता था तो मेरे बाबा को उस जगह में भेज देते थे। मतलब बहुत ही यादगार है ये जो माइंस है। और यहाँ का जो पत्थर सब देख रहे हैं, ये सब पत्थर में आयरन बनता है, ये सब पत्थर में आयरन बनता है। जैसे हम लोग का कोल माइंस है, वैसे ये यहाँ पर आपका पत्थर का माइंस है। सब कुछ मतलब टोटल, मतलब हम जहाँ पर धनबाद में रहते हैं वो ब्लैक डायमंड एरिया है, कोलफील्ड एरिया है, वहाँ से कोल का पूरा माइंस है आसपास में। और यहाँ पर पत्थर का पूरा माइंस मिलेगा। जब मेरे बाबा SSC कंपनी में जॉब करते थे तो ये वाला था मेन ऑफिस, अभी भी उस ऑफिस का बिल्डिंग है ये, है ये वाला है। और वो जो गेट देख रहे हैं वहाँ पर, उस गेट से घुसते थे, फिर ऑफिस था GM साहब का, फिर असिस्टेंट GM साहब का, सब ऑफिस में हम लोग घूमे हैं। अभी कचरा हो गया, पूरा पत्ता उत्ता गिर गया है, घुसने का लायक नहीं है, तो हम आप लोग को बाहर से ही दिखा रहे हैं जितना हो सके। ये वाला पुराना एगो नज़र आया, और बाकी जितना देख रहे हैं माइंस में सब, ये सब नया बना है, मतलब ये सब कुछ नहीं था। इस सब में पहले ट्रक, ट्रैक्टर, ज़्यादा अधिकतर तो इधर ट्रक का ही ये था बिल्डिंग था। फिर भी देखते हैं आप लोग को, घुसाते हैं, चलिए। है कुछ रे विनय? देखिए आप लोग ऑफिस का अंदर भी घुसा दिए, ये रहा ऑफिस, देखो ये सब है? हाँ ये सब ऑफिस था, यादगार रह गया मेरे बाबा का। उफ, बहुत ही खराब लग रहा दोस्तों, बहुत ही खराब लग रहा है। ये सब में मेरे बाबा हमको ले आते थे, और GM साहब के पास हो, असिस्टेंट GM साहब के पास आराम से बैठते थे बिंदास होकर, मतलब GM साहब हो, असिस्टेंट GM साहब हो, बहुत ही प्यार करते थे मेरे बाबा को, इसीलिए हम आते थे बिंदास बैठ जाते थे उन लोग के साथ, और हमको भी बहुत प्यार करते थे GM साहब। तो ये रहा ऑफिस का रूम सब। और पहले तो कंप्यूटर का उतना जोर नहीं था ना, मतलब उतना उस टाइम कंप्यूटर का ही नहीं था, सब मतलब क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन चलता था, कागज कलम से सब कुछ होता था, इसीलिए इसी ऑफिस सब में होता था। उधर GM साहब बैठते थे, चलिए GM साहब किस रूम में बैठते थे आप लोग को हम दिखाते हैं। यहाँ पर GM साहब बैठते थे इसमें, और असिस्टेंट GM साहब इस रूम में बैठते थे, इस रूम में।
ये रहा असिस्टेंट जीएम साहब का रूम, और बाकी जो ऑफिसर सब थे काम होता था इधर था। और भी ऑफिस था, ऐसे नहीं कि यही चार ठो रूम में ही पूरा हो जाता था, पीछे और भी था। वो सब अगर नज़र आ रहा है या अंदर तक घुसने का मौका मिलता है माइंस में, तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए, यादगार ताज़ा हो गया, बहुत ही मतलब पुराना दिन ताज़ा किए, लेकिन मेरे बाबा नहीं है, यही दुख लग रहा है मेरा। अभी हम आ चुके हैं थोड़ा सा अंदर में, माइंस का ऑर्डर मिल गया माइंस का अंदर थोड़ा सा घुसने के लिए। तो देखिए, ये सब जो था केबिन था, एक एक जो आपको बोले ना, एक ऑफिस, ये जो देख रहे हैं शेड लगा हुआ, ये सब गैरेज था, गाड़ी का कुछ भी होता तो देखिए वेल्डिंग लिखा हुआ है, डीजी रूम लिखा हुआ है, और भी जो जो था वो सब का रूम था, ये सब आपका गैरेज था। और ये सब ट्रक सब खड़ा है अभी माइंस का, और ये देखिए यहाँ पर डोजर पिलोडर जो भी है, जेसीबी सब कुछ खड़ा है यहाँ पर आपका, बहुत सारा ये सब ऐसे ही खड़ा रहता था। हाँ, कौन, मेरा दोस्त भी यहाँ पर काम किया है, मतलब 18 साल होने के बाद यही गाड़ी चलाता था। तो मेरा दोस्त भी यहाँ पर काम कर चुके हैं इस माइंस में, तो ही यादगार इसका भी पुराना हो रहा है। हाँ, एक साल हो गए छोड़े हुए, ये भी चला है लेकिन अब नहीं नहीं चला, बस वही हो रहा है, वोल्वो है ये, ये गाड़ी दूसरा कंपनी में चला, यादगार रह गया एकदम ये सब चीज़। मतलब स्कैनिया ये भी चला है, वो माइंस में चलाते थे, जो जिलिंग था ना, जिलिंग वो भी चला, एफ लाइन जो था उसमें, हाँ जिलिंग जो था, हाँ, दूसरा कंट्रोल से ये गाड़ी से चलाते। मेरा दोस्त भी अच्छा खासा ड्राइवर है, ऐसे मत सोचिए, वो धक्कड़ ड्राइवर है, है ना। तो ये सब जो बताएं आपको, आप लोग को, ये सब भी केबिन था, ऑफिस था एक एक करके, वो तो आप लोग को दिखाएं, जीएम साहब असिस्टेंट जीएम साहब का ऑफिस था, फिर वहाँ पर भी हाई पोस्ट के ऑफिसर बैठते थे, लेकिन यहाँ पर जो केबिन सब था आपका, यहाँ पर भी ऑफिसर बैठते थे, फिर यहाँ पर गाड़ी उड़ी का धुलाई भी होता था। यहाँ देखिए गाड़ी का धोने के लिए रखा गया है, ऐसा ट्रैक बनाता भी है जहाँ पर वॉशिंग होता, वहाँ पर यहाँ पर जो जो केबिन था वो सब तोड़ दिया गया है। और चलिए अभी और भी दिखाते हैं कुछ अगर नज़र आता है तो बहुत ही पुराना यादगार ताज़ा हुआ इस माइंस में आकर। और तो कुछ दिखाने का है नहीं, क्योंकि पहाड़ में है, बहुत ही रास्ता है इधर से जाकर, बहुत ही पहाड़ में जाना पड़ेगा, उधर तो अभी हमको अलाउड नहीं करेगा लग रहा है। और पैदल जाना पड़ेगा, हाँ पैदल वही हो रहा है कि बहुत ऊपर तक है, मतलब हम मेरे बाबा हमको डंपर में चढ़ा कर ले गए थे ऊपर तक, तब हम बहुत छोटे थे। हाँ हाँ, तो डंपर नहीं चलते थे, हाँ तब तो मेरे बाबा हमको डंपर में चढ़ा कर और ले, हाँ कंपनी का था लीलैंड, हाँ हाँ यही तो पहले यही मतलब जो लीलैंड का है, यही कंपनी था ही, लेकिन छह चक्किया था, हाँ हाफ डाला था, छोटा हाफ डाला, हाँ हाफ डाला, एक भी नहीं है, ले गया इधर बेच दिया। और ये ऐसे ही गाड़ी में हमको चढ़ा के, डिजाइन यही था, यही डिजाइन था, सेम डिजाइन था, खाली थोड़ा सा अलग था, ये डाला था, छोटा था। तो इसी में चढ़ा कर ना हमको ऊपर तक ले गए थे पहाड़ के, हाँ, मेरे बाबा, हाँ, ऐसे में तो इधर तो अलाउड नहीं है 18 इयर्स के अबव किसी घुसने के लिए, मेरे बाबा के चलते हम माइंस में छोटे में आ जाते थे और घूमते थे इधर उधर। और ये जो देख रहे शेड वर्कशॉप है, ये सब गाड़ी मेरे सामने है, ये सब नया हम चला रहे थे, उसका ये गाड़ी तो नया है, तो हमको नहीं दिया था। और ये है गैरेज वर्कशॉप है, यहाँ पर गाड़ी का सब कुछ ठीक होता था, जो गाड़ी ख़राब हो जाता था उसका मरम्मत होता था यहाँ पर। और ये कैबिन है, ये इंजीनियरिंग एंड सर्विस लिखा हुआ है ऑफिस। जब से इस माइंस में हम घुसे हैं तब से मेरे बाबा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे हम छोटा में आते थे मेरे बाबा के साथ और मेरे बाबा हमको हाथ पकड़ के इधर उधर घुमाते थे, वैसे ही लग रहा कि मेरे बाबा हमको हाथ पकड़ के इधर उधर घुमा रहे हैं। आज 23 साल बाद मेरे बाबा का कंपनी में आए, लेकिन मेरे बाबा
और नहीं रहे इस दुनिया में, बहुत ही ख़राब लग रहा। लेकिन आए हम थोड़ा सा रहता ना यादगार ताज़ा करने के लिए, उसके लिए आए कि चलो 23 साल बाद जब उड़ीसा आए हैं, मेरे बाबा जिस जगह में जॉब करते थे उस जगह को थोड़ा सा देख कर आएँ, इसीलिए हम आए हैं। और ये सब तो दिखाएं जैसा है, ऐसे ही ट्रक से खड़ा है, ये सब में केबिन है। और इधर से मेरे बाबा ट्रक में चढ़ा के हमको इधर से हमको ले गए थे पहाड़, और बहुत ऊपर ऊपर पहाड़ रहते हैं, और पहाड़ को काटते हुए जैसे हम लोग जैसे हम लोगों का कोलफील्ड एरिया में कोयला का खदान को काटते हुए ऊपर तक ले जाता है ट्रक चढ़ाता है, उसी तरह सेम टू सेम हमको मेरे बाबा ड्राइवर थे ही ट्रक में बैठाते थे और ऊपर तक ले जाते थे। ऐसे तो अलाउड नहीं था पहले, तो हम आप लोग बताएं कि छोटा बच्चा का अलाउड नहीं रहता है माइंस में आना, लेकिन मेरे बाबा हमको ले आते थे और जीएम साहब असिस्टेंट जीएम साहब ऑफिसर के पास बैठाते भी थे और हमको ट्रक में घुमाते भी थे, जीप में कार में सब में घुमाते थे। और वहाँ देखिए पहाड़ है एक, वो पहाड़ सब भी काट के ड्राइवर सब चढ़ाते थे पहले, अब मेरे बाबा भी चढ़ाते थे गाड़ी सब, फिर उतारते थे। और इधर देखिए आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह का पत्थर रहता है। आओ बिना, मेरे दोस्त का नाम दो है, ऐसे छोटा सा हम लोग बाबू बाबू बोलते हैं जो अभी कैमरा पकड़े हैं, और अच्छा नाम है विनय, तो हम लोग छोटे से जब बाबू बाबू बोलते हैं तो बाबू ही रह गया। फिर इधर देखिए जो पत्थर सब है यहाँ का, ये आयरन पत्थर है, यहाँ का पत्थर देखिए, यहाँ का पत्थर सब में आयरन रहता है, ये सब पत्थर को पिघला के आयरन बनाया जाता है ये सब। और ये सब में क्या होता है ना, अगर हम लोग छोटा में दौड़ते थे, हम बाबू और जो दोस्त थे आप लोग उस दोस्त से भी मिलाएंगे, तो दौड़ते थे अगर लग जाता था ना कट जाता था तो मैंने टिटनेस का इंजेक्शन लेना पड़ता ही था, कोई उपाय नहीं है, बहुत ही खतरनाक पत्थर है ये सब। एक पत्थर तो ले चलते हैं यहाँ का, यादगार रहेगा, चलिए ले चलते हैं यादगार के तौर पर। तो चलिए यहाँ का तो सब कुछ हम आप लोग को दिखाएँ कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं। सो आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और जो जो न्यू है इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।